ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातु तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम अखंड मंडलाकार अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक कण कण में समाये हुए सब में होकर सबको जानने वाले रमने वाले भगवान राम और हमारे शरीर से लेकर तो विश्व ब्रह्मांडों के ग्रहों में जो चेतना है उसके रूप में विराजी माँ जगदम्बा साक्षात मेरी माँ सीता के पवित्र चरणों में अत्यंत प्रेम सम्मान श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करते हुए वाल्मीकि रामायण के पांचवे अध्याय के जो महत्व है इसका महत्तम है इसका उसका हम प्रारंभ करते हैं और इसके बाद में फिर आपको मूल वाल्मीकि रामायण प्रारंभ हो जाएगा। कल हमने 34 श्लोक तक लिया था। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। यहां मैं एक बात कहूंगा कि मेरा एक मित्र था, पड़ोसी था, कनु कन्हैया लाल। वो रोज 60 साल से रामायण पढ़ता था और अपनी दुकान पर जाकर लोगों को लूटता था। इससे सिद्ध होता है कि रामायण पढ़ने मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। रामायण पढ़कर समझकर और उसके अनुसार भक्तिमय जीवन जीने और सभी में परमात्मा का दर्शन करने और उस सभी के साथ वैसा व्यवहार करने जैसे भगवान के साथ आप व्यवहार करते हैं, उससे ही आपका कल्याण होगा। यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तमाः नभान्नाः किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। यति नाम जो यति है ब्रह्मचारी हैं, प्रवीर हैं, इनको रामायण की नवान्न कथा का पाठ अथवा इनको सुनना चाहिए। सुत्वा नरो राम कथामिति सुत्वा नरो राम कथामति दीप्तो अति भक्तितः सुत्वा नरो राम कथामति दीप्तो अति भक्तितः ब्राह्मणः पदमासाध्य तत्रैव परिमोदते। श्रुत्वा यानी सुनकर, कैसे सुनकर, अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर, राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्ण सुनकर मनुष्य में महान तेज की उद्दीप्ति हो जाती है उसके अंदर।
पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि उसके अंदर दिव्य रसायन, उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे शुद्ध और पवित्र और ऐसे रसायन उसमें साबित करती है जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर की टेबलेट उनको स्टिमुलेट नहीं कर सकती जितनी ये राम कथा उनको स्टिमुलेट करती है। ये बहुत साइंटिफिक है। जब आप शांत होंगे, रोज खुश होंगे, जब आप आनंदित होंगे, जब मस्त होंगे, आपका रोया खड़ा होगा, कई कई बार खड़ा होगा, तो फिर आपके चेहरे पे भला तेज नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। और ब्रह्मलोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मलोक का मतलब क्या? मरने के बाद ब्रह्मलोक नहीं, जीवित में भी ब्रह्मलोक मिलता है। ब्रह्मलोक का मतलब है उसको ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो जो उसको आनंद आता है वो आनंद अरबों खरबों रुपए पूरी पृथ्वी का राज मिल जाए किसी को तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तस्मात् चुनुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम् श्रोतृणां च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम्। इसलिए विप्रेन्द्रगण आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए वह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम पवित्र है। दुख स्वप्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः नरो अत्र श्रद्धाया युक्तः श्लोकम श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो हयुपपातक कोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यम् गुह्याद् गुह्यतमं तु यत्। दुःस्वप्न को नष्ट करने वाली ये कथा धन्य है। ये संसार की माया एक दुःस्वप्न है। उमा कहौ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मोहनिसा सब सोवनिहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इस संसार के स्वप्न के बारे में योग वशिष्ठ में महारामायण में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो ये जो दुःस्वप्न है इसको नष्ट करने वाली कथा है। इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दंड बैठक कसरत लगाकर या जिम्नास्टिक लगाकर सुने, नहीं। प्रयत्न पूर्वक का मतलब यह है कि जो आपका मनी राम है ये बहुत गड़बड़ करता है, कथा नहीं सुनने देता, और जो कथा पढ़ना चाहते उनको भी नहीं पढ़ने देता, उनको तरह तरह के विघ्न लाता, कोई काम लाएगा, कोई कमर में दर्द ला देगा, सिर में दर्द ला देगा, कोई परिवार में लपेटा चपेटा ला देगा, कोई दुर्घटना घटना ला देगा, बहुत परेशानी करेगी ये माया। परमात्मा ये बिल्कुल दूसरे कामों में कभी माया दखल नहीं देती, लेकिन भगवान का काम करो तो माया जरूर दखल देती है, हजार विघ्न लाती है। लेकिन हजार विघ्न आने पर भी जो नहीं गिरता, जो बार बार खड़ा होकर चलता है, उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया प्रयत्न इति परमात्मा परमेश्वर, इसलिए कहा गया अभ्यास हेतु वैराग्य। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य दोनों से ही परमात्मा की प्राप्त होती है। अभ्यास यानी तुम जो कर रहे हो करो, अभ्यास करो चाहे कुछ भी हो। वैराग्य मतलब संसार को ज्यादा मूल्य मत दो। तुम गलती क्या करते हो, संसार को ज्यादा मूल्य दे देते हो, परमात्मा का मूल्य अपने आप घट जाता है। संसार की लाइन बड़ी कर देते हो, परमात्मा की छोटी कर देते हो, ये मूल में तुम्हारे भूल होती है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है।
इसे सत्पुरुषों से ही सुनना चाहिए। देखो क्या कहा है, सतामेव प्रयोक्तव्यम, केवल सत्पुरुषों से सुनो, लफंगों से मत सुनो, धंधेबाजों से मत सुनो, व्यापारियों से मत सुनो, जो पैसा तय करके कथा करते हैं उनसे मत सुनो, जो खुद भिखारी है वो तुमको क्या देंगे, जो खुद याचक है वो तुमको क्या देंगे, जो खुद लोभी है वो तुम्हारा लोभ कैसे छुड़ाएंगे, जो खुद क्रोधी है वो तुम्हारा क्रोध कैसे छुड़ाएंगे, वो जो खुद कामी है वो तुम्हारा काम कैसे छुड़ाएंगे। क्योंकि ब्रह्म वेत्ता में काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर ये आंतरिक अवस्था से होते ही नहीं है। भले वो शिष्य को समझाने के लिए थोड़ा कठोर बोल रहा हो, है ना, लेकिन उसमें होते नहीं है ये लोभ लालच, कुछ होता नहीं है। मेरे शिष्य मुझे देख रहे होंगे, 15-15, 20-20 साल हो गए उन्हें मुझसे जुड़े हुए, कभी मैंने उनसे कोई दक्षिणा, पैसा, कोई वस्तु, कोई चीज अगर मांगी हो तो मेरे शिष्यों को खुला चैलेंज है। वो फेसबुक पे लिख सकते हैं कि गुरुजी ने मेरे से पैसे मांगे, दक्षिणा मांगी, ये करा। नहीं मांगने के बाद भी परमात्मा मेरी व्यवस्था करते हैं। योग क्षेम बहाम हम, भगवान ही योग और क्षेम की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ही किनसे सुनना चाहिए, फिर कहता हूं, इस गुह से भी गुहतम वस्तु, गुहतम वस्तु को, यानी गुप्त से भी गुप्त है ये, इसको जो है सत्पुरुषों से ही सुनना चाहिए। एक पंडित था, हमसे मिला, बहुत दिनों की बात है, 25 साल पहले की बात है। बोले अरे कि ब्रह्म ज्ञान कितना गुप्त है। मैंने कहा कि बहुत गुप्त है। बोले फिर भी बताओ कितना गुप्त है। मैंने कहा ये तू सुन ना सकेगा, इतना गुप्त है। नहीं नहीं बताओ कितना गुप्त है। तो मैंने कहा कि जो तुम दुनिया को दिखा नहीं सकते उससे 1000 गुना ज्यादा गुप्त है। तो उसका मुंह इतना सा छोटा हो गया, एकदम भाग भूखा गया, क्योंकि तो गुरुओं को तुम कुरेपते हो, फिर गुरु बोल देंगे तो बात फिर भाग जाते हो। तो जो जिज्ञासु होता है ना वो रुकता है, बाकी तो भाग ही जाते हैं, और गुरु भगाने के लिए भी कहते हैं ऐसी बातें उनको। बाच्येद राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदि ब्रह्म द्वेष रताम च दंभाचार रतात्मनाम लोक वंचक वृत्तीनाम च ब्रूयादीद उत्तमम व्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम। भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं है मंदिर, तो भगवान राम के चित्र रख लो, मूर्ति रख लो, भगवान राम का हृदय में स्मरण कर लो, ऐसे भगवान राम का मंदिर ही हो जाता है। जब भगवान राम का चित्र रख लिया, स्मरण कर लिया प्रेम पूर्वक, या किसी पुण्य क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र का मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री और ये अपना इसको कहते हैं रामेश्वर, ये तो पुण्य क्षेत्र हैं। लेकिन आजकल ये पुण्य क्षेत्रों में बहुत सारे लोभी लालचों की जो फौज है उन्होंने पुण्य के अपुण्य क्षेत्र कर दिया। लेकिन पुण्य क्षेत्र वो जहां कोई ब्रह्म वेत्ता सतगुरु निवास करता हो उसको पुण्य क्षेत्र कहते हैं, वो है पुण्य क्षेत्र, सही पुण्य क्षेत्र, क्योंकि तीर्थ भी वहां पवित्र होने आते हैं। सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। एक बात आपको कहूं, दुष्टों की सभा में कभी नहीं करना चाहिए, सत्पुरुषों की सभा में करना चाहिए। क्यों? कि दुष्ट आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। रामचरितमानस में आया हुआ है, क्या आया, सरसना बिना या कुटिला सना प्रीति सहज कृपाना सना सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। अगर आप ममता रत व्यक्ति को ज्ञान की कहानी सुनाएंगे तो वो आपकी बात सुनने वाला नहीं। इसलिए ये उच्च कोटि की गुह्याति गुह्य गोपनीय विद्या है, इसको सत्पुरुषों की सभा में ही बोलना चाहिए। जो ब्रह्मद्वयी हो,
ब्रह्मद्रोही का मतलब जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की निंदा करता हो, जो भगवान के जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की ओर जाने वाले जो ब्राह्मण है उनकी निंदा करता हो, भले वो ब्राह्मण जाति में भी पैदा हुआ तो भी बात नहीं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा करता हो, जो संतों की निंदा करता हो, संतों से नफरत करता हो, संतों के से वैर रखता हो, द्रोही हो उनका, उनको ताक में बैठा हुआ हो कि इनका कैसे नुकसान करूं या इनकी हत्या कैसे करूं या इनको ऐसा मजबूर कर दूं कि ये मर जाएं, तो ऐसे लोगों को कहा ब्रह्मद्रोही। और ब्रह्मद्रोही उनको भी कहा है जो कभी किसी सदगुरु के पास कोई शिष्य जा रहा हो और उस सदगुरु की के बारे में निंदा कर देंगे, कुछ भी काल्पनिक बात उस शिष्य के दिमाग में घुसा देंगे और वो शिष्य उस सदगुरु से दूर चला जाएगा, तो वो भी ब्रह्मद्रोही है, क्यों? उन्होंने एक व्यक्ति को ब्रह्म से मिलने के से रोक लिया है। ये महापाप है, 1000 गौ हत्या के बराबर एक पाप ये होता है जब किसी जिज्ञासु को आप किसी सदगुरु के पास या तो जाने से रोक दें या उसके मन में सदगुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दें। और पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर, जो बनावटी लोग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, जो नाटक करते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़े बड़े पंडाल सजाएंगे, बड़े बड़े टीम टाम जमाएंगे, जो भी तुम समझते हो ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं उन्हें, और जो लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त रहते हैं, जिनका ध्यान ये रहता है कि इससे मैं कैसे पैसे ठग लूं, इसकी जेब में से पैसे कैसे निकाल लूं, भले वो चतुरता से निकाल लें, उसको भक्ति में डाल के निकाल लें, उसको भावना में बहा के निकाल लें, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके निकाल लें, तो इस प्रकार के जो ठग लोग रहते हैं उन्हें ये कथा, इन लोगों को कभी भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। किन लोगों को? ब्रह्मद्रोही, पाखंडी और ठग वृत्ति वालों को। त्यक्त काम आदि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रतात्मानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। तो जो काम और क्रोध दोष का परित्याग कर चुके हैं या उनको ज्यादा मूल्य ना देकर सदगुरु को ही ज्यादा मूल्य देते हैं, वो भले आए तो उनको देख के साक्षी में और आने देते जाने देते हैं, जो आए आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए, चिंता किसी की ना कीजिए, ये है साक्षी, आने दो, जो विचार आए आके चला गया, है ना, अपने को ना विचार से टच नहीं होना, अच्छे विचार आए तो खुश नहीं होना, बुरे विचार आए तो अपने को दुखी नहीं होना। जो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है, जो भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन गुरु के भी द्रोही नहीं होना चाहिए। जैसे काग भूसुंड भगवान शंकर का जाप कर रहे थे और गुरु को प्रणाम नहीं किया, जिससे सौदास जाप कर रहे थे और गुरु को प्रणाम नहीं किया, ऐसे लोग राम भक्त वो नकली राम भक्त है, क्योंकि तुझे गुरु में राम नहीं दिखता गधे, तो फिर तुझे मूर्ति में राम कहां से दिख जाएगा? तुझे गुरु के वचनों में राम नहीं दिखता, राम के वचन नहीं दिखते, तो तुमको रामायण भागवत गीता उपनिषद इसमें कहां से राम के वचन दिख जाएंगे? तुम तो अहंकारी हो, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, तुम गुरु के भी गुरु हो गए हो, गुरु की बात में मीन मेख निकालते हो, गुरु से बहस करते हो, गुरु के सामने सामने करके बोलते हो, गुरु की बात काटते हो। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भक्ति में अनुरक्त नहीं होते। जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर है, अभी से मैं आगे उनके समक्ष ये मोक्ष की साधन भूत कथा अब आचनी चाहिए। गुरुजनों का मतलब है अपने सदगुरु और अपने से बड़े भी, अपने परिवार वाले भी, और जो अपने से बड़े हैं, निशक्त हैं, वृद्ध हैं, वो भी, उनकी भी सेवा। सर्वदेवमयो रामः स्मतश्चाति प्रणाशनः सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं, उनमें सब निवास, सब देवों का निवास है। आपने राम को पूज लिया, सबको पूज लिया,
जब राम को पूज लिया फिर शंकर जी को पूजने जाने की आपको जरूरत नहीं, जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम और शिव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है। आप आरती में बोलते हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता या विवेका, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग जानता है वो अविवेकी है, मूढ़ है वो। क्यों? के प्रणव अक्षर के माधे ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। प्रणव अक्षर का मतलब क्या हुआ? जब आप अपने अंदर यात्रा करते हैं और आपको जब सच्चिदानंद परमात्मा का भान होता है, भान अवस्था आती है, तो उस समय आपके आपको वह अक्षर जो क्षर नहीं होता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उस प्रणव, प्रणव का मतलब है कि ये प्रणव का मतलब ये लोग बेवकूफ बनाते कान में उसे मजीरे बज रहे थे, ढोलक बज रही है, बंसी बज रही है, इसको कहते नहीं। और प्रणव का मतलब ओंकार भी नहीं होता, ओंकार के आगे की बात है ये। ओंकार तो तुमने शब्द बनाया, कोई बात नहीं, अच्छा है, उसका मैं नहीं कहता हूं, वहीं से शुरू है। लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसी सच्चिदानंद परमात्मा के तीनों रूप हैं। ये मैंने अभी स्कंद पुराण के 3 दिन पहले ही इस बात को इसी रामायण के 2 श्लोक में आपको बताई थी। इसमें ऐसा श्लोक आया ही है कि वो एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में व्यक्त हो गया कार्य के अनुसार। चलिए, तो जो श्री राम है वो सर्व देवमय है, वे आर्थ प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले। आर्थ प्राणी का मतलब क्या है? जैसे जो कोई बहुत ज्यादा दुखी होकर भगवान को रो रो के पुकारता है, जैसे गज ने पुकारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार रे, अंगुल सूंड रही जल ऊपर, तब हरि को पुकारा रे। आर्थ का मतलब होता है प्राण निकल रहे, अब कोई दुनिया का कोई नहीं बचा सकता आपको, अब केवल भगवान का ही सहारा है, उस अवस्था का नाम आर्त है। जब द्रौपदी ने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, तब भगवान नहीं आए, दुशासन साड़ी खींचता रहा, द्रौपदी ने कस के पकड़ रखी थी, जब दुशासन ने मारा जोर का झटका और हाथ से साड़ी छूट गई। अब साड़ी का ऐसा रहता है जब खींची जाती है तो महिला गोल गोल घूमती है, गोल गोल पहनी रहती है वो, जैसे लट्टू में वो अपन डोरी बांधते हैं, गोल गोल फेंकते हैं तो वो लट्टू गोल घूमता है, ऐसे जब बेचारी चक्कर खा गई, एक साड़ी तो लंबी थी, एक चक्कर में तो साड़ी खुली नहीं, तो उसने हाथ ऊपर करके भगवान से पूछा, कहा तो हाथ ऊपर करके कहा कि प्रभु आ जाओ, मेरी इज्जत बचा जाओ। तो उसको कहते हैं आर्थ भाव, आर्थ वो है आर्थ। जब अजामिल मरने लगा और यमदूत आकर खड़े हो गए, तो उसको तो पता नहीं था कि नारायण क्या होता है, उनके लड़के का नाम नारायण था, लेकिन जब उसने पुकारा नारायण बचा ले, नारायण बचा ले, नारायण आ गए, इसको कहते हैं आर्थ। आर्थ भाव से पुकारोगे तो भगवान अवश्य आते हैं। दुर्भाग्य है कि आर्थ भाव अभी तक हम लोगों में है नहीं, बहुत अभागे हैं। भगवान का सगुण रूप बहुत मुश्किल है दर्शन करना, निर्गुण तो बहुत आसान है। सगुण रूप दर्शन के लिए तो लाखों लाखों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनि गोपियों का जन्म लेके आए थे वृंदावन में। सगुण रूप का दर्शन करने के लिए तो देवी देवता बानर रूप रख के आए थे,
सगुण रूप का दर्शन करने के लिए तो मनु और शत्रुपा ने भगवान से वरदान लिया था कि तू आपके जैसा पुत्र हो, तुमने कहा मैं यहाँ जाऊंगा। आर्त भाव बहुत मुश्किल है बाबू, बहुत मुश्किल है, और बिना आर्त भाव के प्रभु मिलते नहीं मिलते। किसी के दिल में घुस के देखो, मीरा के दिल में घुस के देखो। मीरा का कलेजा नहीं फटा, बाकी सब काम हो गया। प्राण नहीं निकले, बाकी सब प्राण निकलने से 10 गुना पीड़ा थी मीरा को। तभी तो उसने कहा था कि मीरा की जब पीर हटेगी, जब वेद सबलिया हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। इसको कहते हैं आर्त भाव। शबरी से पूछो, शबरी को था आर्त भाव, उसको कुछ ही नहीं दिखता था, भगवान ही दिखते थे। कब आएंगे, रोज देखती थी, रोज झाड़ू बुआ लगाती, रोज पेड़ लाती, रोज फल लाती। उसको कहते हैं आर्त भाव। भगवान जिसको आर्त भाव दे दे, तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान भी दे दूंगा, उसके बदले ले लो, मुझे आर्त भाव दे दे, मुझे अपने भगवान का जो सगुण रूप है वो निर्गुण रूप से भी ज्यादा मूल्यवान है। अभी मैं तुमसे मोबाइल से बात करूं, निर्गुण रूप है, तुम आ जाते हो तो कितना आनंद है सामने। तो कहते हैं कि आर्त भाव से जो भगवान को भजता है, उन प्राणियों की पीड़ा नाश करने वाले और श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखने वाले हैं। वे भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं और किसी उपाय से संतुष्ट नहीं होते। तुम कितने ही पढ़े लिखे हो, डिग्री धारी हो, कितने ही विषय में एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डीएससी कर लो, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। पूरे शास्त्र उपनिषद पूरे सब रट लो, पूरे संसार के ग्रंथों को पढ़ लो, कोई भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज दोपहर को हम लेटे हुए थे तो हमको याद आया कि कैसे हम अयोध्या जब सत्यबोध के साथ गए थे तो गुजराती धर्मशाला के कमरे में ठहरे, तो बाहर निकले तो भगवान ने हमारी भेंट करा दी हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी जी से। वो वहां किसी काम से आए थे, बगल में बैठे थे कुर्सी पर। हमने सोचा इधर गाय बंधी है, दूध मिल जाएगा, एक गिलास दूध के चक्कर में हम उधर चले गए। वो पुजारी जी से भेंट कराई तो दूध उध तो हम पीना भूल गए। और पुजारी जी ने उन्होंने कहा महंत जी ने कि हम ही हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हम ही वहां पूजा करवाते हैं। हाथ पकड़ के बच्चे जैसे ले गए, भगवान हनुमान जी के दर्शन कराए, और बहुत सारे लड्डू दिए। तो हमें दूध की जरूरत नहीं, रात्रि भोजन के लड्डू खा के पानी पी के सो गए। और कैसा भगवान फिर हनुमानगढ़ी में उन्हीं पुजारी जी ने अपने उन्हीं जो उनका नाम ऐसा था कि अरे बांके बिहारी जी का जो मूर्ति जिनने निकाली थी, उनके नाम दोनों का नाम एक ही था। तो भोजन कराया और फिर इसके बाद हम सत्यबोध और हम गए थे वहां जो नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, राजकुमार हैं, जो उसके उनके बाद वही बनने वाले, उनने हमको भोजन कराया सोफे पे बिठाल के, टी टेबल रख के। आज दोपहर में हम स्मरण कर रहे थे, हे दयालु दीन बंधु तेरी कितनी कृपा है हम पर, तेरी कृपा जितनी है उतनी तो हमारी भक्ति नहीं है तेरे चरणों में। तो भगवान के लिए ज्ञान बुद्धि सब कुछ कुछ कीमती नहीं है, भगवान के लिए तो बस भक्ति ही कीमती है बस। और भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते, ये मैं आपसे 100% बात कह रहा हूं, 100% बात है, भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान दुनिया में कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता। भक्तों के साथ उनसे प्रेम करने वाले तक का ध्यान रखते हैं, बताइए। तो अगला श्लोक,
अवशेनापि यन्नाप्नि कीर्तिते वा स्मृते अपि वा विमुक्तपातकासो अपि परमं पद मनुष्यते मश्नुते परमं पद मश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर ले तो भी उसके पाप मुक्त हो जाते हैं और परम पद का भागी होता है। पर इसमें ध्यान दो, विवश होकर मतलब उसको किसी दूसरे की अब आशा ना बची हो। जैसे मैंने दे दिया उदाहरण आपको द्रौपदी का, तो संसार घोर कांतार दावाग्निर मधुसूदन स्मरणां सर्व पापानां नाशयत्याशु सत्तमः। महात्मा हो भगवान मधुसूदन, संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। हालांकि आज ये उदाहरण देना समाचीन इसलिए नहीं है कि हमें भारत को और विश्व को जंगलों की जरूरत है, लेकिन अभी अभी आपने सुना होगा अमेजन के जंगल में आग लग गई थी, ब्राजील के जंगल में आग लग गई थी। इसको कहते हैं जंगल में लगी हुई आग को दावानल बोलते हैं। और दावानल लगाई नहीं जाती है, तो लगाते हैं बदमाश लोग जमीन के लिए और मतलब लकड़ी के लिए। दावानल जो है वो अपने आप दो वृक्षों की टहनी और बांस इत्यादि के रगड़ने से अपने आप लगती हवा चलने से है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। जैसे माँ बच्चे के पुकारने पर तुरंत उसको भोजन करा देती है, जैसे नींद खुलने से सपने के भय चले जाते हैं, जैसे दीपक जलाने से अंधेरा चला जाता है, ऐसे भगवान के स्मरण से पाप चले जाते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्रोतव्यमुत्तमं श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय भगवान ही हैं और वो परम उत्तम काव्य, इस परम उत्तम काव्य को जो श्रवण करता है यही श्रवण योग्य है और इसका श्रवण करने और पाठ करने से समस्त पापों का ये नाश करने वाला है। यस्य राम से प्रीति वर्तते भक्ति संयुता सैव कृतकृत्यस्य सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। जिसकी राम रस में प्रीति और भक्ति है वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तज्जितं तपा पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजा यदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा नहीं वर्तते। ब्राह्मणों उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र सत्य और सफल होता है क्योंकि राम रस में जो प्रीति करता है वो भगवान राम के इस चरित्र रामायण के अर्थ श्रवण में भी प्रेम करता है और बिना इसके भगवान राम के इस गुणानुवाद से प्रेम भी नहीं हो सकता। अगर राम का प्रेमी नहीं तो रामायण का भी प्रेमी नहीं, रामायण का प्रेमी तो समझो राम का ही प्रेमी है, ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। रामायण पराये तु राम नाम परायण त एव कृत कृत्यास्य घोरे कलयुगे द्विजा। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सारा लेते हैं वही कृतकृत्य हो जाते हैं। नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृतज्ञा महात्मा नस्तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान्न श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार बताइए कि भगवान नारद उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब आप कितने भाग्यशाली हो जो आप रामायण सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं।
भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। अगर भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश, अगर तीनों के बाद में अगर किसी का नंबर आता है अपनी मदद करने वालों का, तो वो नारद जी ही है। मानो या ना मानो, ध्रुव की उनने मदद की, प्रहलाद की उनने मदद की, ध्रुव के वो गुरु, प्रहलाद के वो गुरु, गरीबों के वो गुरु, भक्तों के वो गुरु। तो राम नाम एव नाम एव नामे मम जीवनम, राम का जो नाम है वही मेरा जीवन है। राम नाम एव राम, राम नाम एव नाम एव राम का ही नाम, राम का ही नाम, राम का ही नाम, यही मेरा जीवन है। कलो नास्येव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई कोई मार्ग नहीं है। अब यही राम का जो नाम है वही तुम्हारी साक्षी है, क्योंकि वो राम रहे, उनको जानना है। उसमें नाम है ना, यानी नहीं, मा यानी मैं नहीं, वही मैं नहीं, बस केवल वही। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए, तो तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। यह है आत्मज्ञान, परमात्मा ही हो जाते हो तुम। मिलना क्या और बिछड़ना क्या, परमात्मा ही हो जाते हो, परमात्मा ही तुम हो और तुम ही परमात्मा हो। तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है, इसको कहते नाम। ये लोग कहते नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, बेवकूफ बना रहे हो। एक मंत्र दे दिया, वो मंत्र तो मन के साथ जुड़ा है, मन के साथ ही उसकी दोस्ती है, मन ही उसको जपता है, मन ही उसको संभालता है, मन ही उसको गिनता है। इसलिए तो मैं अपने भक्तों को मंत्र नहीं जपाता हूं। नाम साक्षी का ध्यान करोगे तो तुम्हारा जो मैं है वो खत्म होगा, तुम मैं ना रहोगे, तुम परमात्मा हो जाओगे। चलिए, तो ये जो है सूत जी अब बोले, अब नारद जी की बात पूरी हो गई। सूत वाच एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मनः सम्यक प्रबोधितः सद्यः पराम निवृत्तिमापयः मापः। सूत जी कहते हैं महात्मा नारद जी के द्वारा, परमात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार का ज्ञानोपदेश पाकर जो सनत कुमार थे उनको तत्काल इतनी आनंद से भर गए, वो एकदम मस्ती आ गई, चकाचक, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण हो जाए ना, दुनिया में इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी कोई अमृत की धारा नहीं, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। और जिसने आनंद एक बार उठाया है वो ही जानता है। ऐसा रहता है कि ब्याही से कुंवारी मिले और लगे अटपटे बहन, ब्याही से ब्याही मिले तो पड़े रैन में सैन। संसार का आनंद जो होता है उसको कुंवारी लड़की क्या जाने, जिसके विवाह हुआ वो जाने, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो इस आनंद को जान सकता है। हमसे लोग 50 बार पूछते हैं क्या होता है, कैसा होता है, कैसी मस्ती आती। अरे मूर्खो, ये बुद्धि के तल की बात है कि तुम्हें बता दूं, मैं बता सकूं, मेरा बाप नहीं बता सकता कि क्या आता है, क्या मस्ती आती है। ऐसे से कुमारी लड़की विवाहित लड़की से, विवाहित बहन से पूछती है कि बहन शादी हो गई तो कैसा लगता है, कैसा आनंद आता है, पति के साथ बैठती हुई तो कैसा लगता है। अरे मूर्ख, कैसे बता दे वो बेचारी, एक चांटा किसी में मार दो और पूछो कि दर्द बताओ कैसा हो रहा, कहाँ है दर्द, दर्द कैसा होता है, इसका रंग रूप कैसा होता है। जब तुम दर्द को नहीं व्यक्त कर सकते तो तुम प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते, तो भक्ति को कैसे, और जब तीनों चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते तो फिर परमात्मा का जो आत्मज्ञान होता है उसमें जो आनंद आता है उसको कैसे व्यक्त करोगे। वो आनंद आया सनत कुमार जी को, क्योंकि तो वो तो वैसे भी ज्ञानी ही थे,
लेकिन अब जब ज्ञानियों को दो ज्ञानी मिल जाएं और जो फिर मस्ती आती है उसको सत्संग कहते हैं, और शिष्य और ज्ञानी जो बात करते हैं उसको उपदेश कहते हैं, उसको कहते हैं उपदेश, है ना। तस्मात् चुनुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथा अमृतम् नवान्ना किल श्रोतव्यम सर्व पापे प्रमुच्यते। अतः विप्र वरो तुम सुनो रामायण की अमृतमय कथा को सुनो, और रामायण को 9 दिन में ही सुनना चाहिए, ऐसा करने से समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। श्रुत्वा चेतन महाकाव्यम बाचकम यस्तु पूजयेत तस्य विष्णुः प्रसन्नः सात श्रिया सह द्विजोत्तमः। पहली बात तो यह है कि जो 9 दिन में सुनने वाली बात थी ये सैकड़ों साल पहले थी, क्योंकि सब जब संस्कृत को अच्छी तरह समझते थे इस तरह से हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फटाफट फटाफट जो है दोहे गाता जाता था पढ़ने वाला और समझने वाले उसमें आनंदित हो जाते थे। अब अगर तुम 9 दिन में सुनोगे तो तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगी, जैसे कोई फ्रेंच स्पेनिश जर्मन बोल के चला जाए तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आएगी। इसलिए अब इसमें परिवर्तन ये है कि अब इसको तुम एक एक श्लोक को ध्यान पूर्वक, चाहे 9 दिन लगे चाहे 90 दिन लगे चाहे 900 दिन लगे, आपको सुनना चाहिए, तो ही आपका जीवन सार्थक होगा। और करोगे क्या अगर इसको नहीं सुनोगे तो करोगे क्या है? फिर क्या लैला मजनू के गाने सुनोगे कि फिल्मी गाने सुनोगे जिन्होंने नाम रख रखे हैं अपने हिंदुओं के और खा रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनके सुनोगे गाने? अगर ये भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो सुनोगे क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है अब बदल गया मामला। अब अगला जो श्लोक था कि द्विजोत्तम उस महान काव्य को सुनकर जो बाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हाँ यहाँ ठीक है, कर लेना, बाचक की पूजा कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाचके प्रीति मापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वर प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्र नात्र कार्य विचारण। विप्रेन्द्र गण बाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रसन्न होते हैं, किंतु बाचक लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान दक्षिणा में नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान वस्तु में नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान कपड़े इत्यादि हार फूल या सोना चांदी के आभूषणों में नहीं होना चाहिए, वो भीतराग होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है समलोष्टास्म कांचना होना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो बसांसि कांचनम रामायण पुस्तकम च दध्याद्वितानु सारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार ध्यान देना, अपने वैभव के अनुसार जैसी तुम्हारी हैसियत है ना। ऐसा नहीं है कि तुम अगर 10,000 रुपए महीने कमाते हो तो 1,00,000 रुपए देने की कोशिश, 10,000 रुपए कमाते हो तो उसके हिसाब से जो तुम्हारी हैसियत है उसके हिसाब से तुम दे दो। और गौ अगर बेचारा उसका को उसके आश्रम में जगह है गाय पालने की, और आप अगर उसको गाय देते हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपकी ताकत है हैसियत है और आप बिना कर्ज किए बिना तकलीफ उठाए दे सकते हो तो दे दो गाय, वस्त्र दे दो कपड़े दे दो, ठीक है बेचारा पहन लेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक डाल दिया स्वर्ण देना चाहिए सोना देना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। सोना तो मैं भी नहीं पहनता हूं, सोना तो कोई भी ऐसा साधु संत नहीं पहनेगा जो परमात्मा का प्रेमी हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास कभी सोना चांदी नहीं था, नहीं मैं शुरू से ही नहीं पहना मैंने सोना चांदी, मैं पसंद नहीं करता हूं सोना पहनना चांदी पहनना, है ना। ऐसा है भाई साहब, स्वर्ण देने की जगह उसको आप अन्न दे दो, ड्राई फ्रूट्स दे दो, कुछ भी जो आपकी ताकत है वो दे दो, लेकिन स्वर्ण दे के क्या करोगे? लोहा लंगड़िया स्वर्ण तो जैसे लोहा है ऐसा सोना है, ठीक है। रामायण की पुस्तक देना चाहिए, ठीक है, यदि आप उसके पास
उसकी रामायण जो वो पढ़ता है वो पुरानी हो गई है तो दे दो, नहीं हुई तो वो ही रामायण की पुस्तक खरीद के किसी गरीब परिवार में दे दो, ताकि वो कम से कम रामायण पढ़ेगा तो एक जगह सनातन हिंदू धर्म का प्रचार होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, बात सुनो, हर हिंदू को, हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भगवान के प्रेमी को, जब उसका जन्मदिन आए, हैसियत के अनुसार 5, 11, 21, 51, 101, 251, 501, 1001 जितनी उसकी हैसियत है उतनी उसको रामायण, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण या गीता या भागवत, अपने भगवान के जो शास्त्र हैं वो खरीद करके, और जो गरीब लोग नहीं खरीद सकते या खरीद या जिनको पता ही नहीं है भगवान का क्या कौन कौन से शास्त्र हैं और हमको पढ़ना चाहिए, उनको देकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया उन्होंने दूसरे दिन रद्दी में बेच दिया, नहीं, दे दिया फिर उसको कहना भाई देखो आप पढ़ना, मैं आऊंगा, कहां तक आपकी पहुंची फिर अपन बात करेंगे इस कथा पर। तो इस तरह से करना चाहिए, इसका पुण्य बहुत मिलेगा। ये चीज लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी, कि उस समय उनको पता नहीं था कि ऐसा भी कलयुग आएगा, ऐसे भी मलेन छाएंगे जो धर्म की जानकारी के अभाव में लोगों को सनातन हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतरित करेंगे, उनको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता है, अब तो ऐसा करना है। तस्य पुण्य फलम बक्षे शुणुध्वं सुसमाहितः न बंधते गृहस्थस्य भूतवेतालकादकः तस्यैव सर्वश्रेष्ठांसि वर्धन्ते चरते श्रुते। मैं उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। उस दाता को ग्रह भूत पेताल आदि बाधा नहीं पहुंचाते हैं। राम चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है, हाँ यह पक्की है। जहाँ भगवान का स्मरण होगा भूत प्रेत पिशाच पेताल आ नहीं सकते हैं। जैसे आपने दीपक जला दिया अब अंधेरे का वहां पर, अब अंधेरा वहां आ नहीं सकता है। आपने बड़ी ट्यूबलाइट जला दी, आपने 1000 वाट का बल्ब जला दिया, अब अंधेरा वहां फटक नहीं सकता है, अंधेरा घुस नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि बल्ब जला के पर आप अंधेरे को टोपले में भर भर के बाहर फेंकोगे, ऐसा नहीं होता, जलाए कि गया। ऐसे भगवान का जहां नाम आ गया वहां ये सब गए। इसलिए किसी को शनि का 7.5 हो या किसी को 2.5 हो या किसी का मंगल खराब हो या किसी का राहु केतु हो, उसको राम वाल्मीकि रामायण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हम जब छोटे बच्चे थे तो कोई भी शनि मंदिर में नहीं जाता था, कोई भी नहीं जाता था। जो जोशी लोग होते थे वो एक बाल्टी में एक शनि महाराज का रख के और शनिवार के दिन आते थे, लोग पैसा देला लोग डाल देते थे, थोड़ा आटा दे देते थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता था, कोई नहीं जाता था, वो जाके वहां खाते पीते थे। लेकिन अब तो इतने कायर लोग हो गए हैं कि शनि मंदिरों में लोगों की लाइन लगी हुई है। अरे मूर्खो, हनुमान जी का हम अनादिकाल से हनुमान जी के भजन पूजन करके ही शनि और राहु और केतु अढ़ैया और 7.5 को समाप्त करते रहे हैं। तुम कहां चक्कर में पड़े हो इन प्रोफेशनल लोगों के। तो इस प्रकार से, और एक शनि मंदिर भी ठीक है, और एक दो ऐसे भी नए नए देवता हो गए जो भगवान राम के भी बाप हो गए। अभी भगवान राम छोटे और वो बड़े। तुम लोगों की मूर्खता की हद होती है। तुम जो है जानबूझ के जो है बकरे हो और जो है शेर को खाने के लिए शेर तुमके पास जा रहे हो ताकि तुम्हें वो खा ले, या तुम शेर हो और अपने आत्मस्वरूप को भूल के जो बकरे जैसे मिमिया रहे हो और ऐसे लोगों से कृपा की भीख मांग रहे हो। तुम लोग जो लोग जो हैं ऐसे लोगों से अपनी कृपा की भीख मत मांगो। जो लोग अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, है ना, देखो तो मजारों में जा रहे हैं लोग, चादरें चला रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। अरे भैया वो तो मर गया, वो खुद ही अपने को नहीं बचा पाया, तुम्हें कहां से बचा लेगा मजार वाला। माफ करना, जो अब तो कहना ही पड़ेगी ना, ये बात तो कहना ही पड़ेगी। जिन लोगों ने निर्दोष सनातन धर्मावलंबियों को तलवार के जोर पर छल से कपट से डरा के धमका के लालच देकर और भगवान राम के इस धर्म से अलग करके और दूसरे धर्म में ले गए और वहां जाके उनकी मट्टी पलीत कर दी। गाय को तो कभी वो डंडा नहीं मार सकता था, उसको गाय का मांस खिलाना खाने पे मजबूर कर दिया।
ऐसे लोगों के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है ना। तो जो है ये जो इस जो जो हम कह रहे थे ना ग्रह और भूत और बेताल, यही है भूत और बेताल आजकल के, इनसे बच के रहो, यही है भूत और बेताल। तो रामचरित का श्रवण करने से श्रोता और संपूर्ण श्रेय की प्राप्ति होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य न चोरादि वयम तथा एतत् जन्मार्जितः पापे सद्ध एव विमुच्यते। ना तो उसके घर में कभी आग लगती और ना ही उसके घर में कभी चोरी होती है, और जन्म जन्म के जो पाप उसने इकट्ठे किए हैं वो तत्काल मुक्त हो जाते हैं। और इस शरीर का अंत होने पर भी वह सात पीढ़ियों के सहित मोक्ष का भागी होता है। मोक्ष भगवान की कृपा हो गई, उससे बड़ा मोक्ष भी क्या होगा। इत्येतद् समाख्यातम् नारदेन प्रभाषितम् सनत कुमार मुनिये प्रच्छते भक्तितः पुरः। जो पूर्व काल में सनत कुमार और जो मुनि यानी अपने नारद मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर उनने जो कुछ कहा नारद मुनि ने, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। ऐसा कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। रामायण मादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निर्वणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम। ये रामायण जो आदि काव्य, रामायण आदि काव्यम, रामायण आदि काव्य, इसके पहले काव्य नहीं हुआ, वेद हुए उपनिषद हुए लेकिन वो काव्य नहीं है, ये काव्य है। इसकी रचना श्लोकों में हुई है, मात्राएं बराबर हैं और इसमें बिल्कुल काव्य की कसौटी पे खरा है। ये संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। सारे वेद उपनिषद पुराण संहिता कंडिकाएं ब्राह्मण ग्रंथ सबको एक साथ मिला लो तो इस रामायण में सब कुछ मिल जाएंगे। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक और संपूर्ण पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ते पठन त्यत्र विबुधा श्लोकम श्लोकार्धमेव च न तेषां पाप बंधस्तु कदाचिदपि जायते। जो ब्राह्मण जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। भगवान त्र्यंबकेश्वर की याद आ गई। रामार्पितम इदं पुण्यम काव्यम तु सर्व कामदम भक्त्या सुनवंती विदंती तेषां पुण्य फलम सुनो। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके एक एक श्लोक पर मैं एक एक पूरे जन्म बोल सकता हूँ। एक श्लोक रामायण का ले लूं और पूरे जन्म भर में उसी पर बोलूं, जितने इसमें श्लोक हैं उतने जन्म में बोल सकता हूँ, लेकिन मजबूरी समय की है और आप सुन नहीं पाओगे और मेरे को अब अगला जन्म लेना नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट श्लोक का अर्थ आपको समझा रहा हूँ। जहां लगता है कोई गुड़ बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो शत जन्मार्जिते पाप है सदैव विमोचिता सहस्र कुल संयुक्ते प्रयाति परमं पदम। वे लोग जो 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप है वो तत्काल उनकी मुक्ति हो जाती है और हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। कारण ये है कि एक आदमी जिस परिवार में मुक्त होता है तो उसकी प्रेरणा दूसरे को मिलती है, फिर तीसरे को मिलती है। जैसे भगीरथ जब गंगा लाए तो कोई अकेले भगीरथ नहीं लाए, और पहले से कितने उनके पूर्वजों ने तपस्या की तब गंगा मैया आई थी। ऐसे ही सभी मुक्त हुए, सगर के सारे पुत्र मुक्त हुए। ऐसे ये परम पावनी रामायण जो है वो गंगा से हजारों गुना ज्यादा पवित्र करने वाली है।
किम तीर्थे गौर प्रदानैवार किम तपो भी किम मध्वरहे अहन्यहनी रामस्य कीर्तनं परिशुण्वताम। जो प्रतिदिन राम नाम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपस्या यज्ञों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक मेरे को छोटा सा भजन की एक लाइन याद आ गई, जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय श्री राम, जिनके अंदर भगवान बसे हुए, भगवान राम बसे हुए, उनको दूसरा कोई नाम लेना की जरूरत नहीं है। ले लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी कोई बात नहीं। भगवान हनुमान जी को देख लो, है ना। तो उसके लिए कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, उनको गोदान करने की जरूरत नहीं है, उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं, उनको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। चैत्रे मासे कार्तिके च रामायण कथामृतम् नवैर हो भी श्रोतव्यम रामायण कथामृतम्। चैत्र माघ अथवा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा नवान सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षय करम सर्व संपत्ति वर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता को प्राप्त कराने वाला। भगवान प्रसन्न हो गए फिर क्या कमी है। श्री राम जी को बढ़ा, राम जी की जो भक्ति है वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि राम जी की सभी बुद्धिमान भक्त राम जी की भक्ति मांगते हैं। हनुमान जी से पूछा मांग लो मैं बहुत खुश हूं, तो भगवान हनुमान जी ने कहा भी चल भक्ति दो, है ना। विभीषण से पूछा मांग लो क्या मांगते हो, भक्ति चाहिए। जब वो अत्रि मुनि के आश्रम गए तो उनने भी भक्ति ही मांगी। तो जो मूर्ख ही होगा जो भगवान की भक्ति को छोड़ के दूसरी चीज मांगेगा, मूर्ख ही होगा जो भगवान की भक्ति को छोड़ के कुछ और मांगेगा। तो भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला है, समस्त पापों का विनाशक है और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक आ रहा है। यस्त्वेत चुनु याद बादि पठेद वासु समाहिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता है अथवा रामायण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। मतलब यह है कि वो अपने आत्म स्वरूप में जाग जाता है और परमात्मा ही हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्मने फलानुकीर्तनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म के प्रसंग में फल का वर्णन नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ। ईमानदारी की बात है, भगवान के इस रामायण का महात्म तो शेषनाग सरस्वती और गणेश जी पूरी तरह से नहीं बता सकते। वो तो धन्यवाद है कि पांच अध्याय में ही पूरा हो गया, नहीं तो पांच जन्म तक भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। अशितगिरि समस्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाफां लेखनी पत्र मूर्वे लिखिति अधिग्रहित्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीश पारं नयाति। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान हनुमान जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवान शंकर के पवित्र चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री महाकाल।